आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की नजर रहती है और पाकिस्तान हिंदुस्तान पर कहीं ज्यादा नजरें गड़ाए होता है। आपको याद होगा चुनाव प्रचार में पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करते हुए सड़कों पर नजर आए थे, कई जन संबोधन उनके हुए थे। उस वक्त तो अंतरिम जमानत पर बाहर थे, अभी वापस से वो जेल चले गए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जमानत की जो चर्चा है वो दूर बैठे पाकिस्तान में हो रही है। पूरी खबर क्या है ये आप जान लीजिए। अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर इमरान खान ने अपना तर्क दिया है। इमरान खान ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है कोर्ट के सामने। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में इमरान ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है। पूर्व पीएम ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में दुहाई दी है, याचिका तो लगाई लेकिन दुहाई ये भी दी कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है तो फिर उन्हें क्यों नहीं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नाखुश हैं इमरान खान और उन्होंने एग्जाम्पल ये दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर, जब वो अंतरिम जमानत पर बाहर आ सकते हैं तो फिर इमरान खान क्यों नहीं। जिस तरीके से पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ने अपना पक्ष रखते हुए अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है, ये चर्चा हिंदुस्तान से लेकर अब पाकिस्तान तक पहुंच गई है। एक रिपोर्ट आप देखिए फिर आगे बढ़िए।